अब रुक करते यूपी बोर्ड के नतीजों की ओर, जहां फतेहपुर जिले के दिव्यांशी छात्रा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर फतेहपुर जिले का नाम रोशन किया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आज जो नतीजे घोषित हुए हैं यूपी बोर्ड के परिणामों में, इंटर की परीक्षा में फतेहपुर जिले के दिव्यांशी छात्रा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर माता पिता के साथ ही अपने जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन किया, जहां शहर के राधानगर इलाके के स्थित जय माँ सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा दिव्यांशी ने सबसे ज़्यादा अंक गणित के विषय में प्राप्त किया है। जहां पर दिव्यांशी ने गणित में जहां पूरे 100 नंबर पाए हैं, वहीं दूसरे विषयों में भी दिव्यांशी ने अच्छा अंक प्राप्त कर किया है। वहीं पर आपको हम बता दें, हिंदी में दिव्यांशी ने जहां 93 अंक प्राप्त किए हैं। आइए डालते हैं रिजवानुद्दीन की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आज? इसका श्रेय सर्वप्रथम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डिस्ट्रिक्ट परीक्षा कराई, नकल 3 परीक्षा कराई, अपने माता पिता गुरुजन प्रधानाचार्य अपनी बड़ी बहन दीक्षा। आगे क्या सोच है, आगे क्या करने का? प्रोफेसर बनना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को आप अपने लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई मतलब हमें नई चीजें सिखाती ही है, जो आसपास हमारी चीजें हैं उन सब के बारे में डीपली नॉलेज बताती है, इसलिए पढ़ाई को बोरिंग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आसपास हमारी चीजें हैं उन सब के बारे में भी बता रही है, हमारे जीवन के बारे में और डीपली हमको समझा रही है। जिसकी बेटी पूरे प्रदेश में विद्यालय और जनपद के नाम को गौरवित किया, वो आभार हासिल कर रही है। 2014 से माननीय अखिलेश जी ने मेरे बच्चों को सम्मानित किया, तभी से मेरी ललक लगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित होना। पूरे वर्ष अपने अध्यापकों की मीटिंग लेके अथक प्रयास के साथ ये परचम फहराया गया कि हर वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे विद्यालय पहुंचे, और ऐसा बच्चों की मेहनत और लगन रही कि प्रत्येक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्यालय, और 2017 में मेरे यहाँ टॉप पोजीशन हाईस्कूल में आई थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी सम्मानित किया था। वही लगातार 18, 19, 20, 21 और 22 में इस बच्ची में दिव्यांशी ने फिर से परचम फहरा दिया है। तो मेरा विद्यालय 2014 से 2022 लगातार मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित हुआ है। हम अपने बच्चों से तो ये कहेंगे कि अगर इसी तरह से बच्चे मेरा प्रयास करते रहें तो ऊंची से ऊंची मंजिल उनको मिल सकती है, अगर वो अथक प्रयास करें पढ़ाई के क्षेत्र में। क्या नाम? विनय प्रताप सिंह है, मैं यहाँ का प्रधान आचार्य हूँ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।